बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। फ्रेंड मैं हूं सलीम, आप देख रहे हैं सलीम खान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप लोग अपना बिल जो है बिजली का बिल वो ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, कनाडा में है या मलेशिया में है या सऊदी अरब में है या अरब इमारात में है, किसी कोने में दुनिया के किसी कंट्री में भी आप हैं, तो आप अपना बिजली का बिल जो है ऑनलाइन चेक कर सकते हैं और उसको आप पे भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं कि कितना यूनिट इस मंथ में यूज़ हुआ है और इसका कितना बिल बनता है। तो ये सब कुछ आप ऑनलाइन अपने मोबाइल में एक ही सेकंड में जो है आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको बिल पे भी करना है तो पे भी कर सकते हैं, अभी अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सिंपल और आसान तरीका है, अगर आपको भी बिल चेक करना है, अपना बिजली का बिल चेक करना है, तो आप इसी वीडियो में देखें और एक सेकंड में अपना बिजली का बिल जो है आप अपने मोबाइल में चेक कर दें। तो चले स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों को, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे देखे आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह मालूमाती वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आप मेरी वीडियो देखकर बहुत सारा मसला मसाइल आप अपना खुद अपने मोबाइल में हल कर सकते हैं। तो आप मेरे इस मोबाइल स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये एक बिल जो है मैंने ओपन किया। आपको इसके लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ बिल का रेफरेंस नंबर चाहिए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहां से हम जाते हैं अपना होम स्क्रीन पे और यहां से मैं जाता हूं अपना गूगल प्ले स्टोर पे। तो गूगल प्ले स्टोर पे जैसे ही मैं चले जाऊंगा यहां पे, और यहाँ गूगल प्ले स्टोर पे मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे टॉप में हम लिखते हैं, यहाँ पे रोशन पाकिस्तान हम लिख लेते हैं, रोशन पाकिस्तान ये मैंने लिख दिया। और आप देख सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगा और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर दें। मैंने ऑलरेडी इसको पहले से डाउनलोड रखा हुआ है। तो जैसे ही आप देख सकते हैं इसका इस तरह आइकन है और यहाँ से मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। बहुत आसान तरीका है, बहुत सिंपल और आसान तरीका है, देख सकते हैं आप एक ही सेकंड में जो है ये ओपन हो जाता है यहाँ पे। इसमें आप सिर्फ और सिर्फ बिजली का बिल जो है आप चेक कर सकते हैं, उसका आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं, बहुत सारा बिजली के बारे में मालूमात है इस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे आप आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल इंफॉर्मेशन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ये मांग रहा है कि रेफरेंस नंबर बता रहे हैं। तो रेफरेंस नंबर आपके बिल के ऊपर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये राइट साइड पे एक बिल मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे होता है। तो इसी तरह रेफरेंस नंबर 14 इंच उसमें होता है, वो 14 इंच आप यहाँ पे टैप कर दे। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैप किया है 14 इंच, और उसके बाद नीचे गेट डुप्लीकेट बिल पे आप क्लिक कर दें। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक ही सेकंड में जो है ये आपका बिल यहाँ से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका बिल यहाँ से ओपन हो जाता है। यहाँ पे राइट साइड में जो है ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम बता रहे और इस मंदिर का नाम बता रहे और एड्रेस बता रहे, और यहाँ पे नीचे आप आ जाना है इस साइड पे, राइट साइड पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मंथ बता रहे, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई ये बता रहे, और यहाँ से यूनिट बता रहे कि कितना यूनिट आपने यूज़ किया इस मंथ में, और इस साइड पे जो है आपका बिल बता रहा है कि कितना बिल इस मंथ का आपका बना हुआ है। तो यहाँ पे पेमेंट बता रहा है, ये आप देख सकते हैं कि इतना बिल जो है आप पे किया है। तो इसी तरह जो है आप नीचे और भी इसमें बहुत सारे और चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से आप बाकी भी आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। और एक और तरीका मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे अगर आप बिल डिटेल के बारे में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल डिटेल, तो जैसे ही बिल डिटेल के बारे में आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ पे ऊपर टॉप में आपको रेफरेंस नंबर आपका बता रहा है और साथ में जो है आपका यहाँ पे आपका बकायाजात बताएगा, यहाँ पे जिस मंथ का आपके पास बकाया है या है, यानी इस मंथ का जो पैसे बिल आपने पे नहीं किया वो यहाँ पे बताएगा। यहाँ पे 0 है, मैंने ऑलरेडी पे किया तो यहाँ पे 0 है,
और यहाँ पे भी मंथ बता रहे और साथ में नीचे मार्च अप्रैल मई ये बता रहे, साथ में यहाँ पे बिल बता रहे कि ये 705 और 616 इसी तरह, और पे जो है यहाँ से बता रहे कि ये सब पे हुए हैं। अब जो बिल आपने पे नहीं किया तो इस तरह वो यहाँ पे बता इस तरह नजर आएगा, आपको पे नजर नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ बिल पे नहीं हुआ, उसके बाद दूसरी मंथ में पे हुआ है तो ये यहाँ पे नजर आता है। तो ऊपर आप आपके बकाया जात यहाँ पे होता है। तो इसी तरह बाकी चीज़ें भी आप यहाँ से और भी चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और अगर आपको बिल पे करना है तो आप यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, तो इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये आपको बहुत सारे बैंक बता रहा है कि आपका अकाउंट कौन सी बैंक में है, कौन सी बैंक से आप जमा करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप कोई भी बैंक, आप जिस बैंक में आपका अकाउंट है तो वो बैंक आप यहाँ से सेलेक्ट कर दें, जैसे कि मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर ले और यहाँ से आप बिल आसानी से पे कर सकते हैं। आप रोशन डिजिटल अकाउंट से भी पे कर सकते हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। आपको रोशन डिजिटल अकाउंट के बारे में भी वीडियो आएगा और बिल पे करने की भी वीडियो आपको मिलेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ये वीडियो आगे अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक में भी शेयर करें, ताकि और लोगों को जो है आपकी वजह से उनको भी फ़ायदा हो जाए।